बचाना होगा। मेरे पास कोई और उपाय नहीं था आप सबको रोकने का। अगर मैं आप सबको यहाँ पर नहीं बांधता तो अन्य नगरवासी भी संकट में पड़ जाते। अब आप सब यहीं रहिए, मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूँ। इनके नेत्र पहले ऐसे नहीं थे, विषाक्त होने के कारण ऐसा हुआ है। मेरे मित्र भी ऐसे हो गए थे। बचपन में उलझे रहने के कारण मैं उन पे ध्यान नहीं दे पाया। मैंने तो उन्हें राजभवन अर्थात राजभवन में भी संकट आ सकता है, मेरी माँ और नानी पर भी। मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। अरे ये तो मेरे जैसे ही दिख रहे हैं। पंचमन की आज्ञा माननी होगी, इन्हें छुड़ाना होगा। तुम सब कुछ खा पी लो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और भय भी दूर हो जाए। ये कुछ असामान्य से क्यों लग रहे हैं? हो सकता है नाक का भय अब तक इनके मन से गया नहीं। ये क्या हुआ तुम सबको? पंचमन, मेरी ये गदा करेगी तेरा अंत। पंचमन के विष का प्रभाव इन्हें रोकना होगा। उचित नहीं कर रहे हो पंचमन, अपनी मृत्यु का आह्वान कर रहे हो। माँ, आप हनुमान के मित्रों के साथ यहाँ? कुछ विशेष बात है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? अब होगा सब ठीक। माँ, माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ,
हनुमान के मित्र वन से आए हैं। लगता है उस नाग ने इन्हें विषाक्त कर दिया है। जब आए थे तो असामान्य लग रहे थे, पर माँ को इन बालकों ने, अवश्य ही माँ भी विष के प्रभाव में ही है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा ये मुझे भी। कैसे रोको, इन्हें चोट लग गई तो? रुक जाइए नानी। आप विष के प्रभाव में हैं, आप माँ के पास मत आइए। पंच फल का घन प्रभाव नानी को भी किया विषाक्त, माँ की रक्षा हेतु हनुमत आए जब मा, हुआ। अब चलिए यहाँ से। ज्ञात ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माँ आइए। अब तुम सब मेरे वश में हो। और केसरी, शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र भी मेरे वश में होगा, और तब दया करूंगा मैं तुम दोनों पर। मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हें, मुक्त कर दूंगा इस संसार से। अंत कर दूंगा मैं तुम दोनों पिता पुत्र का। अतिबल लेकर आता ही होगा हनुमान को, तुम दोनों का अंत। उसके बाद सुमेरु का अंत तो मेरे दास ही कर देंगे। यही तो मेरा परम लक्ष्य है। नानी माँ विषाक्त हो गई और तुम्हारे सभी मित्र, उनको ज्ञात ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यदि उन्होंने नानी माँ को कोई क्षति पहुंचाई तो। माँ, वे नानी को कुछ नहीं करेंगे, और आप भी चिंता मत करिए। हमारे राजवैद्य जी मेरे मित्रों का उपचार भी कर देंगे और नानी भी स्वस्थ हो जाएंगी। हनुमान पुत्र, तुमने मेरी रक्षा की, अपनी माँ के प्राण बचाए। नानी की चिंता है तुम्हें और तुम अपने मित्रों को स्वस्थ करने की सोच रहे हो। अब सच में लगता कि तुम बड़े हो गए। ये सब आपकी दी हुई सीख और आपके द्वारा दिए हुए संस्कार के कारण ही संभव हो पाया है। माँ, यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। बस आप मुझे छोड़कर मत जाना।
ये सब जो हो रहा है ना, उस पंचफन नाग का किया हुआ है। ना जाने क्यों वो हमारे सुमेरु का विनाश करना चाहता है। हमारे सुमेरु राज्य की सुख समृद्धि देखकर ही तो सब इस पर बुरी दृष्टि डालते हैं। किंतु मैं युवराज हूं यहाँ का। मेरा कर्तव्य है राज्य की रक्षा करना। किंतु ये तो बताओ, वन में क्या हुआ? माँ, तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं? वो तो तुम्हारे साथ ही गए थे। बोल बोल बोल। बोल 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 बोल। ओहो अति बल, सिर्फ बलबल करते रहोगे या आगे कुछ बताओगे भी कि तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, किसी को वो पंचफल? नाग। क्या हुआ पिताश्री को? वो महाराज को उठा कर ले गया। बलबला बलबल, महाराज को अभी भी शांत कर दिया है उस पंचफल ने। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या करूं मैं? मैं करूंगा माँ, मैं लाऊंगा पिताश्री को सुरक्षित। हाँ पुत्र, तुम ही सभी को और अपने पिताश्री को इस संकट से बचा सकते हो। जाओ पुत्र, और जाकर प्रभावहीन कर दो उस दुष्ट पंचफन को। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। विजय भव। हाँ हनुमान, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है हनुमान, वो पंचफन नाग महाराज को कहां लेकर गया है। चलो चलो मेरे साथ आओ। आओ हनुमान। चलो। शीघ्र चलो हनुमान, अति शीघ्र। वहां तुम्हारे पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो चलो। क्यों गए? भीतर चलो। मैं भीतर नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत भय लग रहा है। देखो देखो,
भीतर बहुत अंधेरा है, तुम जाओ जाओ। करा जी मैम। जल चाहिए, प्यास लगी है। महारानी जी, हमारे यहाँ मान्यता है कि दोनों हाथों पर दिया जलाकर आज के दिन शिव जी की पूजा करेंगे तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज क्यों, आज क्या है ऐसा? आज पूर्णिमा है महारानी जी। हनुमान के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का समय और देता हूँ। पूर्णिमा के पश्चात तुम इस पृथ्वी पर एक क्षण भी और नहीं रह पाओगे। मुझे लौटना होगा हे ईश्वर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही, किंतु यदि आज एक इच्छा पूरी हो सकती है तो मेरी यही इच्छा है कि मेरे स्वामी सुरक्षित हो, सुमेरु के सारे लोग स्वस्थ हो जाए। मैं यहाँ से जाने की पीड़ा सह लूंगी प्रभु, किंतु मेरे युवराज की सुरक्षा कीजिए। इस अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।